तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपना डायमंड का आर्मर है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोग उसको इंचांट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी 35 लेवल तो है और तुम लोग देख सकते हो मेरा कितना इसका हालत ख़राब है अभी टूटने वाला। तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा सारा सामान कहाँ है, मेरा सारा सामान इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, मेरा सारा सामान इधर है। मैंने इसको छुपा कर रखा था कि कोई चोरी ना कर ले, और ये यहीं कहीं था भाई, भुला नहीं जाए बस। हाँ, ये पेड़ के आसपास है, मैं यहाँ खोदता हूँ। हाँ ये देखो, और ये जितना भी सामान है वो मेरा है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना डायमंड उठा लेता हूँ, लैपिस लाजुली उठा लेता हूँ, और मेरे पास ऑब्सीडियन भी है, और ये सब भी उठा लेते हैं और इसको वापस से बंद कर देते ताकि यहाँ पर कोई आए ना। और मैं बस तुम लोग का इसका सीक्रेट लोकेशन बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं वहाँ पर है। तो मैं पहले यहाँ पर इंचांटमेंट टेबल बनाऊँगा, तो बनाने के लिए रेसिपी तो मुझे शायद लगता है कि डायमंड और ऑब्सीडियन लगता है, बस ऑब्सीडियन तो है मेरे पास, डायमंड भी है मेरे पास। और यहाँ पर सुगर केन हमें आराम से बुक सेल्फ बना लेंगे, और यहाँ पर पहले अपना आर्मर को रिपेयर करते हैं। और मैं देख सकता हूँ आर्मर का भाई हेल्थ ही जाने वाला था, ये चला ही गया है। देखते कितना, मुझे लगता है कि 23 डायमंड पूरा आर्मर हो जाना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंचमांटेड कॉस्ट 4 डायमंड, ओ भाई ऐसे तुम्हारा डायमंड ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ, एक काम करता हूँ मैं पहले, बाद में ये सब करता हूँ, मैं पहले इंचांटमेंट टेबल बना लेता हूँ। और एक मिनट, वहाँ क्रीपर फट ना जाए भाई। और हाँ, मैंने वहाँ पर एक और आयरन फार्म बना लिया है जो इसी के अटैच में है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आयरन जनरेट करेगा, क्योंकि मुझे अभी नदर ये आयरन का बीकन भी चाहिए। तो उसके लिए तो हम लोग को भी चाहिए होगा इंचांटमेंट टेबल कैसे बनता है, एक बुक चाहिए, और बुक कैसे बनता है भाई मुझे पता ही नहीं बुक कैसे बनता है। एक बार देख लेते बुक कैसे बनता है, फिर मैं जाता हूँ। बुक पेपर और लेदर से बनता है, मेरे पास पेपर तो हो जाएगा पर लेदर कहाँ से करे। हाँ मेरे पास एक नेदर का जो फार्म है उस पर लेदर तो बहुत सारा होगा, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। और चलो वहीं पर जाते सीधा, क्योंकि मुझे लेदर तो वहीं से चाहिए। चलो मैं डायरेक्ट तुम्हें वहाँ से जाके मिलता हूँ। आ चुके हैं यहाँ पर और वापस से, क्योंकि तुम लोगों ने देखा ही था कि मेरा वो कैसा फार्म था, तो इसलिए मैं वापस तुमको दिखाना नहीं गया। पर वहाँ पर काफ़ी कम ही लेदर था, वहाँ पर 2 स्टैक और 16 लेदर था, तो मैंने बस 2 स्टैक लिया। और पोर्क चॉप का मेरे पास ज़रूरत नहीं है, पर था भाई मेरा हंगर तुम देख ही सकते हो। और मैं थोड़ा सा बीच में एक पेड़ दिखा था, वहाँ से मैं 2 लॉग उठा लिया ताकि मैं यहाँ पर वुड और कलेक्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे बुक सेल्फ बनाने के लिए भी चाहिए। और तो चलो पहले तो मैं अपना खाना लेके आता हूँ, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। और अभी हम लोग यहाँ से पेपर बनाएंगे शुगर केन से, क्योंकि मेरा शुगर केन फार्म है और काफ़ी मस्त वो भी काम कर रहा है, और मेरा आयरन फार्म भी काफ़ी मस्त काम कर रहा है। पहले यहाँ से हम लोग यहाँ से ये उठा लेते हैं, और मेरे पास डर्ट होगा मैं वापस से ढक लेता हूँ, क्योंकि वरना भाई यहाँ पर बहुत लोग घूमते हैं, यहाँ पर कोई मेरा सामान लेके जा सकता है। और मैं ये वीडियो के बाद मैं इसका ये वाला जो है यहाँ से मैं शिफ्ट कर दूँगा कहीं और, क्योंकि यहाँ पर भाई कोई भी आ सकता है। पहले मैं खाना खा लेता हूँ, अब चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारा शुगर केन कलेक्ट हो गया होगा, और ये अभी कट नहीं कर रहा, और ये चल क्यों नहीं रहा, ख़राब हो गया, और देख लेते हैं भाई शुगर केन यहाँ पर आ गया इसीलिए शायद चल नहीं रहा था, पर कोई नहीं चलेगा। अब यहाँ से अभी कुछ शुगर केन निकाल लेते हैं, पेपर तो था, और यहाँ 3 डायमंड किसी और का है, तो मैं नहीं हटाऊँगा, मैं नहीं खींचा इसको, क्योंकि मैं अच्छा बचाऊँगा इस। और यहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ पर पेपर बनाना होगा, तो पेपर नॉर्मली ऐसे बन जाता है, तो शुगर बन रहा पेपर कैसे बनता है, पेपर भाई 3 पेपर ऐसे कुछ रखना है तो मुझे मिल जाएगा काफ़ी सारा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं
काफी ज्यादा बना ही लेता हूँ। मेरे पास 3 स्टैक अभी आ चुका है, मेरे पास 3 स्टैक आ चुका है और मैं अभी इससे बुक बना सकता हूँ। मैं बुक का मुझे रेसिपी मुझे पता चल चुका है, मैं उसको यहाँ कुछ इस तरह से रखना है और फिर एक लेदर, हाँ ये एक बन जाएगा हम लोग का। और बुक शेल्फ बनाने के लिए क्या करना होता है मैं देख लेता हूँ। बुक शेल्फ के लिए 3, तो उसके लिए बुक लगेगा, तो मैं बुक और बना लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे बस हाँ इतना इनफ होगा। और अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना इंचांटमेंट टेबल और मैं उसको अभी कहीं भी लगा देता हूँ, लगा दूँगा, क्योंकि अभी उतना अभी कोई जगह तो है नहीं अच्छा सा। तो ये रहा अपना इंचांटमेंट टेबल। और अब मैं एक्स बना लेता हूँ थोड़ा सा कि मैं एक एक्स बना लेता हूँ ताकि मैं वुड और कलेक्ट कर सकूँ और उससे मैं बना सकूँ अपना सेल्फ बुक सेल्फ। तो मैं जल्दी से 1 मिनट में मैं आता हूँ सारा लकड़ी काट के। मैं वुड भी लेके आ चुका हूँ, काफ़ी सारा तो नहीं मैं ले के आ चुका हूँ। ओक लॉक मेरे पास 7 है, तो देखते कितना बनता है इससे भाई। और मैं मैंग्रूव का भी वुड ले आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ओक का मिल तो नहीं रहता और काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का सेम ही वुड है। वुड सेम नहीं है, दोनों सेम ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कितना बुक शेल्फ, मुझे लगता है कि 20 या 15 बुक शेल्फ इनफ होगा। 6 बुक शेल्फ बनाए, मुझे और बुक बनाना होगा मेरे ख्याल से। हाँ मुझे और बुक बनाना होगा, तो मैं बुक और बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 मैं काफ़ी सारा बुक बना लेता हूँ जितना बन सकता है। देखते कितना बनता है। चलो मैं पूरा बना लिया हूँ अभी। और अब मैं बुक शेल्फ बनाता हूँ, कहाँ गया बुक शेल्फ भाई। एक तो रेसिपी याद नहीं तो काफ़ी दिक्कत होता है। अभी मैं बस 6 ही बुक शेल्फ बना सकता हूँ, तो अभी 16 बुक शेल्फ हो गया है, नहीं 16 नहीं हुआ है, 11 बुक शेल्फ हुआ है। और मैं एक और बना सकता हूँ, 12 बुक शेल्फ हो गया है। और 12 बुक शेल्फ पे शायद ये हो जाएगा, नहीं पता मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी बस फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि अब इसको चेंज, मैं अभी कुछ घर जैसा बनाया नहीं हूँ तो उसको चेंज करने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ, तो भाई यहाँ यहाँ लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेदर मतलब आयरन गोलम वो स्पॉन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ बुक शेल्फ जो है 12, मैं उसको यहाँ पर प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही प्लेस होता है, कुछ इस टाइप से शायद से मैं सही कर रहा हूँ। और ये 3 इधर, तो क्या ये मुझे पूरा ये देगा लैपिस लाजुली? शायद ये दे रहा है लेवल 24 का दे रहा है, मुझे लेवल 30 का चाहिए। तो मैं जल्दी से और बुक शेल्फ बना के मिलता हूँ तुम लोग से। तो अभी जैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने और 4 बुक शेल्फ लगा के लगा दिया है। अब यहाँ पर मुझे 30 लेवल का मिल रहा है, और जैसे मैं बूट्स पे लगाऊंगा तो यहाँ पर 30 लेवल तुम लोग दिख रहा होगा। और यहाँ पर मुझे डेप्थ स्ट्राइडर मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है भाई, कुछ तो भाई प्रोटेक्शन दे दो। थॉर्न्स 2 अनब्रेकिंग 3 अच्छा लग रहा है, मैं ले लेता हूँ अनब्रेकिंग 3। क्या करें, मैं ले लेता हूँ अनब्रेकिंग 3 या थॉर्न्स, इसके साथ कुछ और मिल सकता है तो थॉर्न्स ले लेता, कोई दिक्कत नहीं। थॉर्न्स प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग 3, वो थैंक गॉड मैंने ये अनब्रेकिंग नहीं लिया। अब देखते ये क्या है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग 1, नहीं ये तो अच्छा नहीं मिल रहा है इसमें कुछ। इसमें देखते हैं प्रोटेक्शन 3, ये ठीक है, अनब्रेकिंग 3 और ड्रेप स्ट्राइडर 3। चलो ड्रेप स्ट्राइडर 3 मतलब
ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ प्रोटेक्शन 3 मिल रहा था पर मेरे पास लेवल नहीं है। अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग 1। और देखते बुक पे क्या मिल रहा है मुझे। बेन ऑफ हाथा फॉर्ड्स, फेदर फॉलिंग और अनब्रेकिंग। और मुझे देखना होगा लेगिंग्स पे क्या मिल रहा है। प्रोटेक्शन 3 इसमें भी मिल रहा है तो मैं 6 शायद मुझे थोड़ा सा एक्सपी मिल सकता है अपना पोटैटो वाला फार्म पे। मैं तुमसे वहाँ पर जल्दी से जाके मिलता हूँ। तो अभी तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पोटैटो फार्म पे। और यहाँ पर शायद, हाँ चलो ये वर्क तो अभी भी कर रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 64 का कोल ब्लॉक है भाई, इतना सारा कौन डाल गया। और मैं यहाँ पर कभी कभी डालते रहता हूँ कोल सब, और मेरे दोस्त लोग भी आ जाते हैं कभी कभी डालने, क्योंकि वो लोग भी इससे फ़ायदा होता है। और देखते कितना ऊपर और पोटैटो बचा हुआ है। ओ भाई यहाँ अभी तक कितना बेक नहीं हुआ है। तो भाई देखते कितना एक्सपी मिलता है। मेरे पास अभी 29 एक्सपी है, तो ये वाला इसको उठाते हैं। और 42, सीरियसली? ओ भाई, भाई इसको काम करना था भाई, बहुत अच्छा फार्म है ये। तुम लोग बनाना 42 एक्सपी मिल चुका है, मतलब 10 से ज़्यादा एक्सपी मिला है भाई, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपी है ये। और मैं इससे पूरा अपना डायमंड का आर्मर इंचांट कर सकता हूँ, और मैं इसको रिपेयर भी कर सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ वापस, तुमको अपना मेन वाला वहाँ पर मिलता हूँ। तब तक लिए तुम लोग एक मिनट रुको। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, और मेरा माइंड कार्ड पता नहीं कहाँ भुला गया, तो मुझे वहाँ से पैदल चल के आना पड़ा। तो पहले तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना इसको ये कर लेते हैं रिपेयर। 3 ले रहा है ये, रिपेयर तो हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ। और मैं सबको रिपेयर करने लगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं इंचांट कर लेता हूँ, मुझे पता है इंचांट करने के बाद अगर मैं रिपेयर करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपी लेगा, पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दे देंगे। और चलो यहाँ पर मुझे चाहिए अपना, इस पर क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन 3। चलो ले लेते हैं प्रोटेक्शन 3, देखते क्या मिलता है। और प्रोटेक्शन 3 बस मिला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं, प्रोटेक्शन 3 इसमें मिल गया, काफ़ी मस्त। और देखते बुक में क्या मिलता है हम लोगों को, फॉर्चून 2 भाई ले लो भाई, फॉर्चून 2। मुझे ये काफ़ी पहले मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। मल्टी शॉट प्रोटेक्शन पियर्सिंग, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको बस लेवल 1 कर लेता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर एफिशिएंसी 4 मिल रहा था। ओ भाई मेरा बस एक एक्सपी कम हो गया भाई मुझे। अरे भाई मुझे कुछ, कोई ज़ॉम्बी मिल जाए मैं उसको मार दूँगा। भाई मुझे रिपेयर नहीं करना चाहिए था अभी, पर यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी भी वगैरह नहीं मिल रहा है भाई। ये बिल्ली को मार के एक्सपी मिलता है क्या, मैं इसको मार के देखता हूँ। भाई भाई मुझे पता है बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, पर भाई क्या ये कर सकते भाई, ये हाथ में भी नहीं आ रही है भाई। छोड़ो भाई मैं मिस भी ली, एक एक्सपी के लिए मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, मुझे पता है आइडिया ही नहीं है भाई कहाँ से मैं क्या करूँ। मुझे वापस जाना, मुझे लगता है ड्राउन यहाँ पर हो सकता है, तो मैं ड्राउन को भी यहाँ, भाई यहाँ ड्राउन भी नहीं है भाई, मेरा किस्मत भाई, यहाँ ड्राउन भी नहीं है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। वो कोल ऊपर, कोल कोल को माइन करने से शायद एक्सपी मिलता है, शायद कोल को माइन करने से एक्सपी मिलता है। हाँ मिलता है एक्सपी मिलता है, तो मुझे जल्दी से जाने दो। मेरे पास पिकैक्स भी है, अच्छा मैं ले आया था। कॉपर से मिलता है क्या, नहीं मिलता। मुझे ऊपर जाना है, मेरे पास ब्लॉक नहीं होगा। जल्दी जल्दी मुझे करना होगा, वरना भाई मेरा वो शायद हट जाएगा तो भाई बहुत दिक्कत है। मैं ऊपर जाता हूँ स्पीड से। यहाँ पर कोल है, पक्का मिलता है इससे, मुझे लगता तो है ऐसा कुछ भाई। मिला, मुझे लगा नहीं मिला भाई। और को भाई एक ही कोल था भाई, ये तो भाई ना इंसाफी है। यहाँ पर और कोल है ही नहीं क्या भाई, और कोल है ही। अरे रे भाई मैं बच गया,
और कौन नहीं है, छोड़ो मैं तुम्हें आज के लिए बस इतना, मिलता है आपको अगली वीडियो में। तो मैं बाकी प्रोटेक्शन 3 में बाद में ले लूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।